आमदन से जायद असासाजात का केस, अब्दुल अलीम खान की एहतसाब अदालत पेशी, पीटीआई रहनुमा पर ऑफशोर कंपनियां बनाने का इल्जाम है। नैब का मौके, पेशी के मौका पर एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी सख्त, अदालत जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। पीटीआई कारकुनों की पुलिस के साथ तलख कलामी, एहलकारों ने कारकुनों को अदालत के अंदर जाने से रोक दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत का मामला, तिबी मुआयने के लिए आज फिर शरीफ मेडिकल सिटी लाया जाएगा। नवाज शरीफ के दो बार पहले भी टेस्ट हो चुके, दिल की बाईं शरियान के सही तौर पर काम न करने का इंकशाफ हुआ था। डॉक्टर्स की टीम टेस्ट रिपोर्ट्स का जायजा लेकर इलाज का हतमी फैसला करेगी। दौरान जचगी अमवात की शरह को कम करना होगा। माँ बच्चा के लिए मजीद नए हस्पताल बनाने की जरूरत है। कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों में आंख की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का पीसी होटल में तकरीब से खिताब। मुल्तान में गुड्स ट्रेन की बोगियां डीरेल होने का मामला, कराची से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। नई वीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस 7 घंटे ताखीर से पहुंची, अकबर एक्सप्रेस 10 घंटे लेट, मिल्लत एक्सप्रेस 8 घंटे ताखीर का शिकार। रेलवे स्टेशन पर बैठे मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को रिश्तेदारों ने घेर लिया। हाईकोर्ट बयान देने आए लड़के लड़की पर तशद्दुद, पुलिस एहलकारों ने फौरी बीच बचाव करा के जान छुड़ा दी। और 8 साल कैद की सजा मुअत्तल की जाए, मॉडल ट्रीजा ने मंशियात स्मगलिंग केस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरक्स फैसला सुनाया, अदालत सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा।